बेल्लारी नगर के एक बैंकेट हॉल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बोध द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। उन्होंने कहा कि दलित समाज उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दे चुका है, यदि हम एक बार फिर एकजुट हो गए तो वह दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे होंगे। कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन से पूर्व सभी तैयारियां हो जानी चाहिए। वहीं भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष व कार्यक्रम के संयोजक विनीत कुमार ने कहा, हमें कैसे भी करके इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और भीम आर्मी के नाम का इतिहास बेल्लारी क्षेत्र में बनाना है। बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद यहां भीम आर्मी पाठशाला का शुभारंभ व मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे व इसके उपरांत कार्यक्रम में आए क्षेत्रीय लोग व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अतः सभी लोगों से अपील है कि जोर लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट जाएं। कार्यक्रम में कई मंडलों के अध्यक्ष व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने भीम आदमी को, आजाद समाज पार्टी को स्थापित किया है, वैसे ही संघर्ष करकर इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल करने का कार्य आपको करना है और अपना वजूद 25 सितंबर को इस मुरादाबाद बेल्लारी विधानसभा में दिखाना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है और हमारे नेता आप सभी को पुरजोर मेहनत करके, संघर्ष करके, गांव से, गलियों से, मोहल्लों से एक एक करकर बाइक से मेहनत करकर आप सभी को उस रैली को, उस जनसभा को जिसका उद्देश्य, जिसकी नींव हमारे जैसा कि रैली का, जनसभा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे राष्ट्रपिता माता सावित्रीबाई फुले, हमारी राष्ट्रमाता जिनके विचारों को एक एक महिला है और इस भाजपा सरकार को, इस मनोहर सरकार को आपको यह एहसास करा देना है कि हम संख्या से नहीं, हमारी ताकत इतनी है कि जिस दिन तो मेरे जितने भी साथी, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो, चाहे वो मुरादाबाद जिले के किसी भी जिले से हो, सॉरी मुरादाबाद मंडल के किसी भी जिले से हो, मुरादाबाद, रामपुर, संबल।